राज्य और केंद्र सरकार ने वृद्ध और विकलांगों को आर्थिक मदद देने के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की है, लेकिन डिंडोरी जिले के समनापुर में सरकार की योजना को पलीता लगाया जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत जाता डोंगरी में रहने वाली पार्वती बाई की, जिसे बीते 4 साल से विकलांग पेंशन नहीं मिली, न ही उसकी माँ को वृद्धा पेंशन मिल रही है। इसकी वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति और भी कमजोर होती जा रही है। हालांकि पंचायत के समन्वयक ने प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की बात कही है, लेकिन पंचायत कार्यालय के कई चक्कर लगाने के बाद भी विकलांगता का प्रमाण पत्र रिन्यू नहीं किया गया। पार्वती विकलांग नहीं है, 4-5 साल हो गया, पेंशन नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, 3-4-5 साल होने लगे। हाँ। बहुत बहुत सिदौड़ा कर लिए, अखर नहीं निकलता है इसका पैसा। हाँ, सबको बता दिए, सरपंच सबको के वृद्ध पेंशन मेरे भी नहीं मिल रहे है। अच्छा, वो भी है ये इसके विकलांगता प्रमाण पत्र का निरीक्षण कराया गया है। इसमें ये पाया गया कि इसके जो विकलांगता का प्रमाण पत्र है उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई है। इनको संबंधित ग्राम पंचायत वालों को निर्देशित किया गया है कि तत्काल इसकी विकलांगता का प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड से बनवाएं और सुविधा का लाभ दिलाएं। पार्वती